गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10th ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल. टुडे वी स्टार्ट एस एस सब्जेक्ट चैप्टर 17 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर एंड ड्यू टू COVID-19 वी हैव टू स्टार्टेड ऑनलाइन स्टडीज ऑन यूट्यूब. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉइंट स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन इन विच देयर आर टोटल 5 points which we already discussed, and today we start the new point which was poverty alleviation programs. These are the programs which are used to remove the poverty from rural and urban areas. Let's read the para first. Poverty alleviation program PAP. In order to make poverty alleviation solutions for are successful, the rural and urban peoples living below the poverty line should get direct financial benefit from the welfare various welfare schemes, and there may be change in the name of the program, but the basic objective is to create opportunity of education for employment for families suffering from poverty, improve agriculture, rural upliftment, food security, provide education, develop skill through training so that the economic conditions may improve, leading social security and may brought them about poverty line. Present central and state government have implemented and may welfare programs, and it has to try to improve standard of living of poor in cities by improving geographical and infrastructural society services with the reductions in unemployment poverty will reduce. तो देखो यहाँ पे पॉवर्टी इवोल्यूशन प्रोग्राम्स में क्या है, तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स बनाए गए जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूरल और अर्बन लोगों के लिए, जहाँ जो लोग अर्बन और रूरल एरिया में जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जी रहे हैं उनको क्या है, तो या इस स्कीम से डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, इसके बीच में कोई भी नहीं आता, ठीक है. और ये मेन प्रोग्राम का मकसद क्या है, तो देखो ये स्कीम लाना, ये प्रोग्राम्स करना, ये मेन मकसद इसका ये है कि यहाँ पे लोग जो है डायरेक्टली जो है उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलते जाए, ठीक है. और यहाँ पे क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट अगर मिलेगा यानी नौकरी अगर मिलती है तो वो लोग जो है अपने घर का जो है खर्चा वो चला पाएंगे, ठीक है, और अपने घर को जो है वो स्टेबल बना पाएंगे. और इसीलिए जो है गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम लाती है जिसमें वो ऐसा मौका देती है गरीब लोगों के कि वो जॉब करके, ठीक है, पैसा कमा सके, ठीक है. और इसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ें और भी करती है और ऐसी स्कीम लाती है जिससे एग्रीकल्चर, रूरल अपलिफमेंट, ये सब चीज़ें हो ना डेवलप हो, यानी एग्रीकल्चर में डेवलप हो, फूड सिक्योरिटी भी मिलती है, इसके अलावा एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, जिससे क्या होगा लोग जो है प्रॉपरली स्किल बनेंगे और ट्रेंड होंगे तो क्या होगा, तो अच्छी जॉब उन्हें मिलेगी और वो अच्छी तरह से वर्क कर पाएंगे और ज़्यादा कमा पाएंगे, ठीक है, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है वो बढ़ेगा, ठीक है. तो ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम खाली गवर्नमेंट जो है रूरल एरिया में नहीं करती, सब एरियाज़ में करती है. तो देखो रूरल एरिया में भी ये सब चीज़ें होती है, ये प्रोग्राम स्कीम्स लाए जाते हैं, और इसके अलावा अर्बन एरिया में भी लाया जाता है जिससे सिटी में रहने वाले जो गरीब है वो भी जो है आगे बढ़ सके, ठीक है. पॉवर्टी इवोल्यूशन प्रोग्राम्स और स्कीम मे बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन. और एक और चीज़ कि यहाँ पे प्रोग्राम जो है, ये स्कीम जो है, ये सब लाने का मेन मकसद क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके, पॉवर्टी को कम किया जा सके, ठीक है. अब हम पॉवर्टी इवोल्यूशन प्रोग्राम्स की बात करेंगे, स्कीम की बात करेंगे, जो 5 सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है. तो पहला आता है वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है. तो बहुत बार जो है गवर्नमेंट जो है मजदूरी का भी, यानी मजदूरी जैसी एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है, फिर इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी करती है जिसमें मतलब छोटे छोटे जो है लोग जो है अपना बिजनेस डाल सके उसके लिए जो है फाइनेंशियल हेल्प करती है. इसके अलावा प्रोग्राम्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, ठीक है, इसके अलावा खाना प्रोवाइड करवाना, किस तरह से तुम खाना प्रोवाइड कर सकते हो, ये सब चीज़ों के बारे में बताना. इसके अलावा प्रोग्राम और भी बनाती है जिसमें लोगों की भलाई के लिए, सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें होगी वो सब चीज़ें स्कीम में आती है. इसके अलावा ये स्कीम में और क्या चीज़ मेन है, तो देखो पॉवर्टी किस तरह से कम की जा सके अर्बन एरियाज से, ये भी देखा जाता है, ठीक है. प्रेजेंटली मैनी सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड इन दिस 5 सेक्शंस, बट वी विल मेकिंग कंपाइल्ड एंड ओमिनिबस डिस्कशंस ऑफ मेन प्रोग्राम्स आउट ऑफ देम हैज फॉलो, ठीक है. तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम में जो है बहुत सारे चेंजेस करके जो है इसमें और भी ज़्यादा जो है प्लानिंग की गई है और स्कीम्स लाए गए हैं जिसके वजह से जो है गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो, ठीक है. तो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉलोइंग स्कीम्स मेंशन बिलो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, रोड्स, फूड सिक्योरिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सो दैट डायरेक्ट इनकम इज अर्न
तो यहाँ पे देखो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाई गई है जिसमें जो है लोगों को जो है एग्रीकल्चर में जो है एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, ठीक है। इसके अलावा उन्हें इरिगेशन फैसिलिटी मिले, ठीक है, जिससे उनके खेतों में अच्छी फसल हो, ठीक है। और इसके अलावा फूड सिक्योरिटी के मामले में भी जो है गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लाती रहती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी जो है बहुत सारे हेल्प करती है वो फार्मरों को, ठीक है, स्कीम्स के द्वारा। इसके अलावा जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो फार्मर उगा रहा है वो डायरेक्ट जाके मार्केट में बेच सके और उन्हें डायरेक्ट इनकम हो, इसकी भी व्यवस्था वो कर रही है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो है फार्मर जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो एजेंट को बेचा करते थे और एजेंट जो है यहाँ से अपना कमीशन खा लेता था, जिसके वजह से जो है फार्मरों को ज़्यादा इनकम हो नहीं पाती थी, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ऐसी ऐसी स्कीम ला रही है जिससे फार्मर जो है डायरेक्टली मार्केट में उसे बेच सके और डायरेक्टली उसके पास वो इनकम आ सके, ठीक है, और बीच में कोई भी जो है इंसान ना हो, ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे पहले स्कीम की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो देखो ये पहला एक स्कीम है, तो अंडर नेशनल एग्रीकल्चर प्लान देयर शुड बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एंड सेक्टर रिलेटेड टू इट, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी शुड रीच एवरी पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम शुड बी यूज अलॉन्ग विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बिग मीडियम साइज चेक डैम्स टू कॉम्बैट वाटर प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हिसाब से जो है नेशनल एग्रीकल्चर प्लान में क्या चीज़ इंक्लूड की गई है कि किस तरह से एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सके, और इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने जो है ऐसी स्कीम बनाई है जिससे जो है हर इरिगेशन फैसिलिटी जो है हर खेत तक पहुँचे, और इसीलिए जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का शुरुआत उन्होंने की है। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए पानी कहाँ से प्रोवाइड होगा, तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है ऐसी जगह पे डैम्स बनाएगी जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो, ठीक है। और वहाँ से क्या होगा, डैम के पानी से जो है खेतों में जाएगा और जो फार्मर है उनको फ़ायदा होगा, सो दैट एवरी फील्ड गेट वाटर। और इसीलिए जो है डैम्स बनवाए जा रहे हैं ये स्कीम्स के हिसाब से, ठीक है, डैम्स बनवाए जा रहे हैं और इरीगेशन फैसिलिटी जो है सब जगह प्रोवाइड की जा रही है फार्मरों को, ठीक है, जिससे उनकी फसल अच्छी हो, ठीक है। और सच टाइप ऑफ स्टेप हैज़ बीन टेकन टू सो दैट फार्मर्स आर सेफ फ्रॉम डेंजर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड डैम, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने का मेन मकसद क्या है गवर्नमेंट का, तो देखो यहाँ पे अगर इरिगेशन फैसिलिटी फार्मर को दी जाए तो उनकी फसल अच्छी होगी और उनका कर्जा जो होगा वो कम होगा, फसल अच्छी होगी तो उनकी कमाई अच्छी होगी और जितना उन्होंने कर्जा लिया है वो सब वो चुका पाएंगे, ठीक है। और इसी के लिए जो है गवर्नमेंट जो है इस स्कीम से जो है डैम्स बनवा रही है और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है फार्मरों को, ठीक है। एंड दे बिकम फ्री फ्रॉम वेरियस साइकल्स ऑफ पॉवर्टी, और यहाँ से जो है फार्मर लोग जो है वो अपनी गरीबी को थोड़ा दूर कर सकेंगे और उन्हें नौकरी भी यानी एम्प्लॉयमेंट भी मिलता रहेगा, ठीक है। सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, ये दूसरी स्कीम है। बाई इंप्रूविंग फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान फार्मर्स आर टू हेल्प एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी बाई प्रोवाइडिंग थेम इकोनॉमिक सपोर्ट, एंड गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग बोनस एट द परचेस ऑफ कॉटन एंड कंसेशन एट लॉस डैमेज ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर ने जो है फार्मर लोगों को एक छूट दी है जिसमें वो क्या होता है, तो देखो कभी भी अगर फार्मर को फार्मर की फसल अच्छी तरह से नहीं उगती कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, जैसे ड्रॉट आ जाए, सूखापन पड़ जाए और इसके वजह से खेती अच्छी ना हो, और इसके अलावा बाढ़ आ जाए, ये सब आ जाए, तो फार्मर की पूरी फसल जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है, तो ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर को जो है गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक सपोर्ट देती है यानी पैसे के सपोर्ट भी देती है, और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो बोनस भी देती है कॉटन के परचेस पे, ठीक है, और इसके अलावा उन्हें जो है उनके क्रॉप पे कंसेशंस भी देती है, ठीक है, यानी छूट छाट ये सब जो है गवर्नमेंट उस पर देती है, ठीक है। और कृषि मुक्त कृषि भाव पंच हैज़ बीन सेट टू सेटल स्टेबलाइज द प्राइस, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है ऐसी एक चीज़ भी बनाई है जिससे जो है प्राइस कंट्रोल में रहती है कृषि के लिए और उनको मतलब खाने का कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखती है, ठीक है। थर्ड नंबर, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, तो प्रोग्राम लाइक प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी फील्ड, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग कैनल नेटवर्क, स्टॉप सॉइल इरोशन, न्यू ट्यूब वेल्स फॉर ट्रिबल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ सेलिमेंटेशन हैव इम्प्लीमेंटेशन, अदर देन दिस प्रोग्राम्स ऑफ डिगिंग पॉन्ड्स
वाटर से डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर एफॉरेस्टेशन कंस्ट्रक्टिंग लाइनिंग ऑफ कैनल्स प्लांटिंग ट्रीज एंड श्रब्स रिनोवेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ चेक डैम्स एक्सेट्रा हैव बीन स्टार्टेड। तो देखो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए जिसमें गवर्नमेंट जो है लगातार जो है पानी पहुंचाने के लिए जो है हर फील्ड में पानी पहुंचना चाहिए उसके लिए जो है बहुत सारे डेवलपमेंट कर रही है, जैसे कैनल नेटवर्क को सुधारना, सॉइल इरोशन को स्टॉप करना, इसके अलावा नए नए जो है कुएं बनवाना जहाँ पे मतलब पानी की कमी होती है वहाँ कुएं बनवाना, इसके अलावा जो है सेलिमेंट्रीज यानी पानी वाला जो नमकीन पानी होता है ना उसमें से नमक अलग करने का भी जो है कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है जिससे पानी जो नमकीन है वो फ्रेश वाटर बन सके, ठीक है। इसके अलावा जो है छोटे छोटे जो है तालाब खोद रही है बनवा रही है ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा टैंक बना रही है रेन वाटर को कैसे बचाया जा सके, एवोरेस्टेशन, ठीक है, प्लेट्रीज लगवा रही है, ये सब चीज़ें लगवा रही है जिससे क्या होगा जो लोगों को है रूरल एरिया में जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी ये सब काम में, इसके अलावा जो है पॉवर्टी लाइन भी जो है धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट हैव प्रोवाइड फाइनेंस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक द खरीफ क्रॉप कैटल रियरिंग स्टोरिंग फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्सो टेकन सॉलिड स्टेप इन इरीगेशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है तो लोन प्रोवाइड कर रही है सब लोगों को, ठीक है, यानी फार्मर लोगों को, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, यानी सबको जैसे हम देख सकते हैं जो नॉर्मल कॉमन पीपल होते हैं उनको लोन लेने में जो है हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, मगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है फार्मर लोगों के लिए एक स्कीम लाती है जिसमें लोन वो प्रोवाइड करती है मगर बहुत ही लो रेट में, ठीक है, लो रेट के इंटरेस्ट पे देती है। और ये सब किस लिए दिया जाता है तो उनके क्रॉप्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए और इरीगेशन स्कीम्स, ये सब चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो स्टेट गवर्नमेंट करती है, जैसे फाइनेंशियल हेल्प जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है तो देखो फर्टिलाइजर्स कैटल रियरिंग के लिए हेल्प करना, इसके अलावा जो है इरीगेशन स्कीम्स लाना, ये सब चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिमिनेशन। तो देखो गुजरात गवर्नमेंट ने भी जो है बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे पॉवर्टी यानी गरीबी को जो है कम करा जा सके, ठीक है। और सिंस लास्ट 10 ईयर्स गवर्नमेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग पॉवर्टी वेलफेयर फेयर फॉर हेल्पिंग फार्मर टू बिकम सेल्फ रिलीवेंट, ठीक है। और 10 साल से यानी पिछले 10 साल से जो है गवर्नमेंट लगातार जो है गरीबी को कम करने के लिए जो है उन फार्मरों की भलाई के लिए जो है अलग अलग जो है फेयर्स रखती है यानी मेला रखती है जिसमें उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ई नेम स्कीम्स। अंडर दिस प्रोग्राम एग्रीकल्चर मार्केट हैज़ बीन सेटअप फॉर द फार्मर्स इन विच फार्मर मे गेट देयर प्रोडक्ट लिस्टेड ऑनलाइन, ट्रेडर्स मे बीट फ्रॉम एनी प्लेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान इज टू सेव फार्मर फ्रॉम लॉस फेस बाई देम ड्यू टू द मीडिएटर ब्रोकर्स एंड दे। तो यहाँ देखो ई नेम स्कीम से क्या हुआ है, तो देखो गवर्नमेंट ने जो है ऐसा एग्रीकल्चर मार्केट बना दिया है जहाँ पे फार्मर जो है अपने प्रोडक्ट को जो है ऑनलाइन बेच सकते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन ट्रेडर जो है फार्मर के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है तो ऑनलाइन मार्केटिंग हो जाती है और यहाँ पे फार्मर को जो लॉस होता था मीडिएटर से ब्रोकर से, ठीक है, जो बीच के इंसान थे वो लोग क्या करते थे फ़ायदा उठा लेते थे फार्मरों का, और वो चीज़ जो है अब कम हो रही है ई नेम स्कीम से, ठीक है। और ई नेम स्कीम से फार्मर जो है डायरेक्टली ट्रेडर से जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और इससे उन्हें डायरेक्ट ज़्यादा इनकम मिलता है, ठीक है। और एंड दे गेट मोर रेम्यूनरेशन एंड अर्न मोर इकोनॉमिक प्रॉफिट ड्यू टू द कंपटीशन, ठीक है। और इतने कंपटीशन होने के बावजूद भी जो है फार्मर को इतना फ़ायदा होता है इससे, ठीक है। अथॉस सच स्टेप्स शुड बी टेकन वाइल डेवलप एग्रीकल्चर एंड येल्ड मैक्सिमम रिटर्न सो द फार्मर रिमेन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो भी डेवलपमेंट होता है उसके बारे में भी जो है फार्मरों को सूचित किया जाता है यानी बताया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है फार्मर जो है लगातार जो है अपना एग्रीकल्चर बिजनेस बढ़ा सके इसीलिए मीडिएटर और ब्रोकर जैसी प्रॉब्लम्स को जो है हटाया गया है इस स्कीम्स के द्वारा, ठीक है। ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा ज़मीन वो खरीदेंगे और ज़्यादा जो है वो खेती बाड़ी कर पाएंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें। और इसी के लिए जो है ये स्कीम को लाया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और तुम्हें क्या करना है तो अपने नोट में जो है इस चैप्टर का जो ये 4 पॉइंट मैंने बोला वो 4 पॉइंट जो है अपने नोट में लिख के रखना है, ठीक है, जो मेन है। थैंक यू।